गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से अपन पार्टनरशिप साझेदारी का टॉपिक लेकर आपके साथ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछली क्लास में जो अपना टॉपिक था उस टॉपिक में अपन ने चर्चा की थी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, यानी लाभ हानि नियोजन खाते से रिलेटेड अपन ने चर्चा की थी। पहले अपन ने पढ़ा कि लाभ हानि नियोजन खाता किस तरह से बनाया जाता है, फिर उसके दो एग्जांपल्स भी पढ़े थे अपन ने। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको वो एग्जांपल समझ में आ गया होगा। और उसी एग्ज़ाम की जैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो आपको दो एग्जाम्पल्स करवाए उसी तरह के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, तो आप उनको सोल्व कीजिएगा। फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम अपनी जो है वो बताइएगा, वो प्रॉब्लम अपन सोल्व करेंगे। और आज अपन आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन, आहरण पर ब्याज। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? आहरण एवं आहरण पर ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण एवं आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये अपना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहली बात अपन ये करेंगे कि आहरण किसे कहते हैं, ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं, ये अपन 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आहरण किसे कहते हैं? जब कोई साझेदार पार्टनर अपने निजी प्रयोग या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए फर्म से धनराशि निकालता है, किससे धनराशि निकालता है? फर्म से धनराशि निकालता है, तो इसे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? इसे आहरण कहते हैं। ये अपन एकल व्यापार का, यानी एकल व्यापारी का अपन 11th क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो पैसा कौन निकालेगा? साझेदार। किस उपयोग के लिए? या तो निजी उपयोग के लिए या फिर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि धनराशि निकालता है फर्म से, तो उसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। आगे होगा समझ में प्यारे विद्यार्थियों। आगे इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आहरण पर ब्याज से रिलेटेड। तो अपन ने आहरण पर ब्याज से रिलेटेड पहले भी अपन ने पॉइंट पढ़ा कि यदि साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो फिर आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ अपन पढ़ रहे हैं यदि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख का मतलब पार्टनरशिप डीड में आहरण पर ब्याज वसूल करने का प्रावधान है। आहरण पर ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों आपको, कि आहरण के ऊपर ब्याज वसूल किया जाता है, आहरण के ऊपर ब्याज वसूल किया जाता है, जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो ये फर्म के लिए इनकम है। आहरण पर ब्याज वसूल करने का प्रावधान है तो आहरण पर ब्याज क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा। आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा एवं ब्याज की गणना करने की दो विधियां प्रचलित है। ये जो अपन आहरण पर ब्याज पढ़ रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसकी गणना करने की दो विधियां प्रचलित है। कितनी विधियां प्रचलित है? दो विधियां। पहली विधि की बात करेंगे अपन औसत विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज मेथड। दूसरी विधि गुणनफल विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोडक्ट मेथड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करेंगे कि गुणनफल विधि कब लागू होती है और गुणनफल विधि के द्वारा किस प्रकार से अपन ब्याज की गणना करते हैं। पहले ये पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे दूसरी मेथड जो अपनी है, जिसको अपन कहते हैं गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। तो पहले अपन बात कर रहे हैं औसत विधि। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना दो बातें, यानी दो कंडीशंस अपनी जो है वो पूरी होनी चाहिए। कितनी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। जब कोई साझेदार वर्ष के दौरान एक निश्चित समान राशि एक निश्चित तिथि को आहरित करता है तो ऐसी दशा में
औसत विधि के द्वारा, औसत विधि के द्वारा ब्याज की गणना की जाएगी, ब्याज की गणना की जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर दो कंडीशंस पूरी होगी तो औसत विधि के द्वारा अपन ब्याज की गणना करेंगे। ये जो मैं नोट्स आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, इनको आप साथ के साथ अपनी जो रफ कॉपी है या जो अपनी कॉपी उसमें नोट करते जाएगा, क्योंकि ये नोट्स जो है वो इंपॉर्टेंट नोट्स है अपने। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं औसत विधि एवरेज मेथड कब लागू होती है, जब कोई साझेदार वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान का मतलब जो लेखा वर्ष है उसके दौरान एक निश्चित समान राशि, यहाँ पर वर्ड क्या है, एक निश्चित समान राशि, और दूसरा क्या है, एक निश्चित तिथि, एक निश्चित तिथि को आहरित करता है, तो ऐसी दशा में औसत विधि के द्वारा ब्याज की क्या की जाती है, गणना की जाती है। यहां पर बात कर रहे हैं अपन, दो आ गए, मैंने दोनों को आपको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, एक तो निश्चित तिथि है और एक निश्चित समान राशि। फॉर एग्जांपल मान लिया अपन ने कि एक फर्म में दो पार्टनर है, ए और बी, तो निश्चित समान राशि का मतलब क्या है यहां पर, जैसे मान लीजिएगा कि ए जो है वो एक निश्चित तिथि को कितने रुपए निकालता है, 1000 रुपए, यानी तिथि भी निश्चित होनी चाहिए और राशि भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल की बात की तो यहाँ पर आपको राशि दिख रही है 1000 रुपये निकालता है पार्टनर, कितने रुपए निकालता है, 1000 रुपये निकालता है, वो तो हो गई एक निश्चित समान राशि। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन निश्चित तिथि, निश्चित समान राशि के बाद में अपन क्या बात कर रहे हैं, निश्चित तिथि। अब यहाँ पर तिथि के संबंध में अपन बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स 9 सिचुएशन हो सकती है, सामान्यतः कितनी सिचुएशन हो सकती है, 9 परिस्थितियां हो सकती है आपके सामने, इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो अपना क्वेश्चन बनता है वो 9 परिस्थितियों में से बन सकता है। वो 9 परिस्थितियां कौन सी है पहले अपन वो समझेंगे। देखो, आहरण जो होता है वो आपका मासिक आधार पर हो सकता है, किसके आधार पर हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, मासिक आधार पर। आहरण जो है आपका हो सकता है तिमाही के आधार पर, जिसको क्वार्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वार्टर। और एक हो सकता है आपका आहरण अर्धवर्ष के आधार पर, आहरण किसके आधार पर हो सकता है, अर्धवर्ष के आधार पर, हाफ ईयर के आधार पर हो सकता है आपका आहरण। तो यहाँ पर ये तो 3 सिचुएशन हुई, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आहरण के संबंध में टोटल जो है, आहरण के संबंध में टोटल जो है वो 3 सिचुएशन हो सकती है। कितनी सिचुएशन हो सकती है, 3, और इन 3 में भी 3-3 सिचुएशन हो सकती है, इन 3 में भी 3-3 सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर जो है वो आहरण के संबंध में मैंने आपको बताया कि 9 परिस्थितियां हो सकती है टोटल, कितनी परिस्थितियां हो सकती है, 9, और 9 में भी 3 तो मैंने आपको बता दिया। आहरण आपका मासिक आधार पर हो सकता है, मासिक का मतलब मंथली, ड्रॉइंग कैसे हो सकती है आपकी, मंथली। आपकी आहरण जो है वो तिमाही के आधार पर हो सकता है, और तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली, तिमाही का मतलब क्वार्टरली, और अर्धवर्ष का मतलब हो गया हाफ ईयरली, अर्धवर्ष का मतलब क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया। तो ये 3 सिचुएशन हो गए, इन 3 में भी 3-3 सिचुएशन है आपकी, इन तीनों परिस्थितियों में भी 3-3 परिस्थितियां हो सकती है। देखो, मंथली में अपन बात करें तो 3 परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती है, मंथली की बात करें तो माह का प्रारंभ यानी स्टार्टिंग हो सकती है, माह का मिड यानी मंथ का मध्यम हो सकता है, और माह का क्या हो सकता है, एंड हो सकता है। तो 3 परिस्थितियां हो गई मंथली में, मासिक यानी मंथ प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, मतलब स्टार्टिंग में, मिड का मतलब मध्य में, और एंड का मतलब प्रत्येक माह के अंत में। इसी तरह से तिमाही की भी 3 सिचुएशन हो सकती है, तिमाही के स्टार्ट में, तिमाही के मध्य में, और तिमाही के एंड में। तो कितनी सिचुएशन हो गई, टोटल 6 हो गई। इसी तरह से अर्धवर्ष की भी 3 सिचुएशन हो सकती है, अर्धवर्ष का स्टार्ट, डैश डैश का मतलब ये सेम है जो शुरू में लिखा हुआ है, इसी तरह से अर्धवर्ष का स्टार्ट यानी प्रारंभ में, अर्धवर्ष के मध्य में, और अर्धवर्ष के अंत में। तो यहां पर इस तरह से अपन बात करें तो टोटल यहां पर 1, 2, 3, यहां पर 3 सिचुएशन इसकी हो गई, 3 सिचुएशन इसकी हो गई, और 3 इसकी, यानी टोटल मिला के आपके प्रश्न में जो आ सकता है क्वेश्चन वो कितनी सिचुएशन आ सकती है प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने 9 परिस्थितियां मिल सकती है। अब यहां बात करें मंथली के आधार पर, तो मंथ का प्रारंभ कब होता है, तो प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को प्रारंभ माना जाएगा, कब माना जाएगा, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को प्रारंभ माना जाएगा। मिड की बात करें,
अब आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 31 होते हैं, लेकिन फरवरी का अपना जो महीना होता है उसमें या तो 28 होते हैं और या फिर कितने होते हैं 29, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर मिड की बात करें तो मिड को अपन ये मान लेते हैं कि या तो अपनी प्रत्येक महीने की 15 तारीख या फिर प्रत्येक महीने की 16 तारीख जो है वो अपना मिड होगा। और एंड का मतलब समझ गए, एंड का मतलब क्या है, या तो एंड होगा अपना महीने का 30 तारीख को, या फिर होगा 31 को, और या फिर 28 या 29, या 28 और 29 केवल जो फरवरी का महीना होता है अपना उसी में लागू होता है, यहाँ ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर टोटल आपके सामने 9 सिचुएशन हो गई, तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक निश्चित समान राशि, बताया मैंने आपको कि राशि जैसे 1000 रुपये निकाल रही है तो 1000 रुपये ही निकालना चाहिए यहाँ पर। अब ये कब निकालना चाहिए, ये 9 सिचुएशंस में से कोई सी भी हो सकती है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, या प्रत्येक माह के मध्य में, या प्रत्येक माह के अंत में, इसी तरह से तिमाही के प्रारंभ में, तिमाही के मध्य में, या तिमाही के अंत में, इसी तरह से यहाँ पे हो सकती है परिस्थिति। अर्धवर्ष, प्रत्येक अर्धवर्ष के प्रारंभ में, या प्रत्येक अर्धवर्ष के मध्य में, या प्रत्येक अर्धवर्ष के अंत में। तो यहाँ पर एक निश्चित समान राशि होनी चाहिए, और तिथि भी क्या होनी चाहिए, निश्चित हो। तो वहाँ पर कौन सी विधि लागू होगी प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर औसत विधि लागू होगी। मेरे हिसाब से ये जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा आपके आगे। अब अपन बात कर रहे हैं इसमें कि औसत विधि के द्वारा, औसत विधि के द्वारा जब ब्याज की गणना की जाती है तो फिर उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक सूत्र है, और वो सूत्र देखिएगा वो फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ब्याज की गणना की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। और ये कौन सी विधि से पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं औसत विधि से। तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल ड्रॉइंग्स, फॉर्मूला होगा इसका टोटल ड्रॉइंग्स, इसको गुणा करना है इंटरेस्ट रेट से, किससे गुणा करना है, इंटरेस्ट रेट से गुणा करना है, डिवाइड करना है 100 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज मंथ्स, किससे मल्टीप्लाई करना है, एवरेज मंथ से, और डिवाइड कर देना है 12 से। ये अपना फॉर्मूला है जिसके द्वारा अपन ब्याज की गणना करेंगे। इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ कैसे, आपको कौन सी मद को हिंदी में अपन क्या कहते हैं वो भी अपन बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब होता है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या कहेंगे, आहरण पर ब्याज। टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब हो गया कुल आहरण, टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, कुल आहरण। इंटरेस्ट रेट का मतलब ब्याज की दर हो गई। एवरेज मंथ का मतलब हो गया औसत माह। इस फॉर्मूले में क्या होगा, टोटल ड्रॉइंग्स आपको प्रश्न में दे रखी होगी, टोटल ड्रॉइंग्स आपको प्रश्न में दे रखी होगी, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ब्याज दर आपको प्रश्न में दे रखी होगी 100 आपको लिखना है। यहाँ पर ये जो एवरेज मंथ है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। जब अपन औसत विधि के द्वारा ब्याज की गणना करेंगे तो ये एवरेज मंथ इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज मंथ आपको याद रखना है, ये एवरेज मंथ क्या रखना है आपको याद रखना है, और 12 आपको रख ही देना है। अब ये एवरेज मंथ कैसे ज्ञात करते हैं अपन, वो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि आहरण की यहाँ पर टोटल 9 परिस्थितियाँ हो सकती है, कितनी परिस्थितियाँ हो सकती है, सामान्यतः तो 9 परिस्थितियाँ हो सकती हैं, इनके अलावा और भी परिस्थिति हो सकती है, वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले वो 9 परिस्थितियों में एवरेज मंथ कितने लेने अपन को, उन 9 परिस्थितियों में एवरेज मंथ कितने लेने हैं, तो वो मैं एक यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल के माध्यम से अपन समझेंगे कि औसत माह कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं या कैसे लेने हैं आपको। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडिंग औसत माह, औसत माह जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एवरेज मंथ्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज मंथ्स। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि 9 परिस्थितियाँ हो सकती है, उन 9 परिस्थितियों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका आहरण जो है वो हो सकता है मंथली, मंथली का मतलब आप समझ गए होंगे, मंथली का मतलब मासिक आधार पर है। फिर अपन बात करते हैं क्वार्टरली, फिर अपन बात कर रहे हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही के आधार पर। फिर अपन बात कर रहे हैं सिक्स मंथली, सिक्स मंथली का मतलब होता है अर्धवर्ष के आधार पर, सिक्स मंथली का मतलब क्या है, अर्धवर्ष के आधार पर। अब यहाँ पर अपन एवरेज मंथ लेंगे तो वो एवरेज मंथ कैसे लेने हैं, ये तो अपनी हो गई टोटल कितनी परिस्थितियाँ, ये हो गई अपनी 3, और 3 में भी 3-3 परिस्थितियाँ जब होगी तो अपनी 9 परिस्थितियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मंथ का स्टार्ट,
फिर मंथ का मिड और मंथ का एंड। स्टार्ट का मतलब समझ गए कि फर्स्ट डे प्रथम दिन, मिड का मतलब मध्य है, एंड का मतलब क्या है यहाँ पर, एंड का मतलब अंतिम दिन या लास्ट डे जो होगा वो अपन बात कर रहे हैं। एवरेज मंथ कितने लेने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप बात करें मंथली की, एक बार मैं लिख रहा हूँ, मंथली यदि स्टार्टिंग में हो तो 6.5 लेने हैं, मिड में हो तो 6 लेने हैं, एंड में हो तो 5.5 लेने हैं। कितने लेने हैं? 5.5 लेने हैं। इसी तरह से जब क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली में स्टार्ट में लेने हैं आपको 7.5, मिड में लेने हैं 6, और एंड में कितने लेने हैं आपको, आपको एंड में लेने हैं 4.5। इसके बाद बात करें सिक्स मंथली, तो सिक्स मंथली के स्टार्ट में लेना है 9, मिड में लेना है 6, और एंड में लेना है 3। अब ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरह से अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जिसके द्वारा इन एवरेज मंथ्स की अपन गणना भी कर सकते हैं। ज़्यादातर सामान्य तो जो अपना क्वेश्चन आता है वो इन ही 9 सिचुएशंस में से आएगा। कितनी परिस्थितियों में से आएगा? इन 9 परिस्थितियों में से ही आएगा आपके। अब इसमें आपको एक समानता दिख रही होगी कि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में हो, प्रत्येक माह के कब हो, मध्य में हो, आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य में हो, आहरण प्रत्येक अर्धवर्ष के मध्य में हो। तो मध्य में आप देख रहे हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो सिक्स मंथली हो, इसमें आपको एवरेज मंथ हमेशा कितने लेने हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपको एवरेज मंथ 6 लेने हैं। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसको जो मंथ है यानी मंथली का मिड हो, चाहे क्वार्टरली का मिड हो, चाहे सिक्स मंथली का मिड हो, यदि मिड दे रखा आपको तो उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कितना लेना है एवरेज मंथ 6 लेना, कितना लेना है एवरेज मंथ 6 लेना है प्यारे विद्यार्थियों। और इसको अभी अपन फॉर्मूले से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि याद आपको कैसे करना है। अब अपन बात कर रहे हैं इनको याद करने का ट्रिक, अभी मैं आपको सूत्र से भी बताऊंगा, फिर आपको अभी पहले याद करने के एक बार ट्रिक बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को, इस इन एवरेज मंथ्स को याद करना है। तो देखो इनका ट्रिक जो है, ट्रिक के द्वारा आप कैसे याद करोगे इनको, देखो आप मंथली में जब देख रहे हो आहरण आपका कैसे हो, मंथली मतलब मासिक आधार पर हो, तो इनके बीच का तो जो है, बीच का तो मिड तो तीनों में 6 आ रहा है, लेकिन यदि अपन मंथली में स्टार्ट में जाए तो कितना बढ़ रहा है, 0.5, कितना बढ़ रहा है, 0.5, और यदि अंत में जाते हैं तो कितना कम हो रहा है, 0.5। इसका मतलब है कि इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 0.5 है, कितना है, 0.5। याद करने का ट्रिक हो गया, यदि आपको शुरू में जाना है मिड से आपको शुरू में जाना है तो 0.5 जोड़ देना है, मिड से आपको लास्ट में जाना है तो 0.5 घटा देना है। इसके बाद अपन बात करें क्वार्टरली में, तो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 1.5 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1.5, मतलब मिड की बात करें तो वही 6 रहेगा, यदि आपको शुरू में जाना है तो 1.5 ऐड कर दो, कितना हो गया, 7.5, लास्ट में जाना है तो 1.5 लेस कर दो, कितना आ गया, 4.5 आ गया। इसी तरह से 6 मंथली की बात करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है विद्यार्थियों, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस 3 का, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का। यदि मिड से आपको लास्ट में जाना है तो आपको 3 ऐड करने हैं, और यदि आपको एंड में जाना है तो 3 आपको क्या कर देने हैं, लेस कर देने हैं, आपको 3 क्या कर देने हैं, लेस कर देने हैं। तो इस पर प्यारे विद्यार्थियों अपन बात कर रहे हैं, ये याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया, अब मैं आपको इसको फॉर्मूले से भी बता देता हूँ कि इनको किस तरह से अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपका मंथ का, चाहे प्रत्येक माह के मध्य में हो, चाहे प्रत्येक तिमाही के मध्य में हो, चाहे प्रत्येक अर्धवर्ष के मध्य में हो, यदि मिड शब्द आ जाए आपका क्वेश्चन में तो आपको एवरेज मंथ कितने लेने हैं, 6 लेने हैं हमेशा, कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। फिर बात करें अपन मंथली का हो तो मंथली का मैंने आपको बताया याद करने का ट्रिक, डिफरेंस इनके बीच का जो 0.5 आ रहा है, कितने का आ रहा है, 0.5 का, तो यहाँ पर यदि आपको शुरू में जाना है तो 0.5 ऐड कर दो, लास्ट में जाना है 0.5 लेस कर दो। यहाँ पर बात करें तिमाही के आधार पर, इनके बीच का जो डिफरेंस है याद करने का ट्रिक है, 1.5 आ रहा है, कितना डिफरेंस, 1.5, यदि स्टार्ट में जाना है तो 1.5 ऐड कर दो, लास्ट में जाना है 1.5 लेस कर दो। यहाँ पर बात करें अर्धवर्ष की, तो अर्धवर्ष में आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, कितने का, 3 का आ रहा है, यदि आपको मिड से शुरू में जाना है तो आपको 3 ऐड करने हैं, और लास्ट में जाना है तो आपको 3 क्या कर देने, लेस कर देने। ये तो अपना डायरेक्ट ट्रिक हो गया, अब ये ज्ञात कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, उसका क्या है, एक फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे नोट,
एवरेज मंथ की गणना, एवरेज मंथ की गणना निम्न सूत्र के द्वारा भी की जा सकती है, निम्न सूत्र के द्वारा भी की जा सकती है। एक इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा जितने टेबल में आपको एवरेज मंथ दे रखे हैं वो सारे अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग यानी अंतिम आहरण, और इसको डिवाइड कर देंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे दो से। कितने का भाग दे देंगे? दो से। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन एवरेज मंथ की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग, प्रथम आहरण से अकाउंट्स बनाने में, या जो आपको प्रश्न में डेट दे रखी है अकाउंट्स बनाने में, या जो प्रश्न में आपको डेट दे रखी है उसमें कितना समय बच रहा है। टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट, लास्ट का मतलब है अंतिम, अंतिम आहरण से आपको जो प्रश्न में डेट दे रखी है या जिस डेट को अकाउंट्स बनाने हैं उस डेट तक कितना समय बच रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे और दो का भाग दे देंगे, तो यहां पर आपके एवरेज मंथ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आपके एवरेज मंथ आ जाएंगे। अपन एक कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिएगा कि एक फर्म है और उस फर्म का जो लेखा वर्ष है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट है और उसका एंड जो, मतलब जिस डेट को अकाउंट्स बनाने हैं वो 31 मार्च है। ठीक है, आपको प्रश्न में दे रखा है कि ए एक फर्म में साझेदार है, ए क्या है, एक फर्म में साझेदार है, वह प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर विद्यार्थियों, जो अपने 9 परिस्थितियां उसमें से एक परिस्थिति आ रही है यहां पर, प्रत्येक माह, एक तो यहाँ पे प्रत्येक माह और एक कौन सी तिथि, प्रथम तिथि को आहरण करता है। तो यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से देखो अपन एवरेज मंथ ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक माह, मंथली का मतलब प्रत्येक माह, और प्रारंभ की बात करें तो कितने आ रहे हैं औसत माह, 6.5, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। अब देखो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसको कि किस तरह से अपन इस फॉर्मूले से भी एवरेज मंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ अपन पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि एवरेज मंथ किस तरह से आपको कैलकुलेट करने हैं फॉर्मूले से। मैंने आपको बताया कि ये जो फर्म है, ये फर्म इसका लेखा वर्ष जो है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, समाप्त होता है। ए एक फर्म में साझेदार है, वह प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, मान लो आपको दे रखा है कि 1000 रुपये आहरित करता है, कितने रुपये आहरित करता है, लेकिन अपन को यहाँ अमाउंट से मतलब नहीं, अपन को तो ये देखना कि एवरेज मंथ कैसे आए। प्रत्येक माह की प्रथम तिथि का मतलब हो गया लेखा वर्ष इनका अप्रैल से लेकर कहाँ तक है, लेखा वर्ष इनका अप्रैल से लेकर मार्च तक का, यानी फाइनेंशियल ईयर को ये अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। तो प्रत्येक माह की प्रथम तिथि कौन कौन सी होगी, जैसे अपन बात करें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब ये अपने टोटल 12 महीने हो गए, ये जो फर्म है ये वित्तीय वर्ष के अनुसार खाते रखती है, तो यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि, तो प्रत्येक माह की प्रथम तिथि का मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, यानी प्रत्येक महीने के कौन से दिन पैसा निकालेगा वो, प्रत्येक माह के प्रथम दिन पैसे निकालेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, एक निश्चित तिथि हो गई, ये क्या हो गई, एक निश्चित तिथि हो गई। और दूसरी बात, राशि क्या होनी चाहिए, समान तो राशि आपको दे रखी है कि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को कितने रुपए निकालता है, 1000 रुपए। यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखा मैंने टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि ये जो फर्म है, ये फर्म अपने अकाउंट्स बनाएगी 31 मार्च को, क्यों, क्योंकि वित्तीय वर्ष अपना रहे। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल अपन 19-20 की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष कौन सा है 19-20, तो फर्म अकाउंट्स बनाएगी 31 मार्च 20 को, कौन सी डेट को, 31 मार्च 20 को फर्म अकाउंट्स बनाएगी। तो यहां पर प्रथम आहरण से देखना आपको,
यहाँ पे दो डेट इंपोर्टेंटली है, एक तो लिखा टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्रथम आहरण से कितना समय, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग, तो एक तो यहाँ पे अपना प्रथम आहरण और एक अंतिम आहरण, ये दो डेट्स इंपोर्टेंट अपने लिए, एक तो प्रथम आहरण और एक अंतिम आहरण। तो प्रथम आहरण से यदि अपन काउंट करें कौन सी डेट तक, आपको मंथ्स काउंट करने हैं अंतिम खाते बनाने की डेट तक, कौन सी डेट तक, अंतिम खाते बनाने की डेट तक, और अंतिम खाते बनाने की डेट कौन सी है, 31 मार्च 2020। तो यहां से अपन काउंट करेंगे अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो पूरे 12 महीने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, पूरे 12 महीने हो जाएंगे। तो ये तो आ गया अपना टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग, इसमें ऐड करना है टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग, और लास्ट ड्रॉइंग जो है इसका वो होगा इस वित्तीय वर्ष 19-20 का अंतिम आहरण होगा 1 मार्च को, कौन सी डेट को, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से फिर आपको मंथ्स काउंट करने हैं, कहां तक आपको समय काउंट करना है, अंतिम खाते बनाने की तिथि तक। तो 1 मार्च से 31 मार्च मतलब कितने महीने हो गए, एक, और कितने का भाग दे देंगे, 2 का, तो कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों आपका औसत मंथ एवरेज माह आपका 6.5 आ गया। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, और भी अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं मान लो तिमाही के आधार पर, आपको प्रश्न में दे रखा है कि तिमाही के आधार पर कोई साझेदार आहरण करता है, आपको वित्तीय वर्ष वो ही दे रखा है अपना, मतलब 19-20 वित्तीय वर्ष अपन बात करें 2019-20 दे रखा है, तो इसके अकाउंट्स बनेंगे 31 मार्च 2020 को अकाउंट्स बनाने हैं। यही अपना क्वेश्चन है, एक फर्म में एक फर्म में साझेदार है, वह प्रत्येक तिमाही, यहाँ पर बात कर रहे हैं थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, प्रत्येक तिमाही के मध्य में 1,000 रुपये आहरित करता है। अब तिमाही का मतलब क्या होता है, क्वार्टर, और एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 4 तिमाही होती है एक वर्ष में। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 19-20 की, तो वित्तीय वर्ष 19-20 की पहली तिमाही कौन सी हो गई, अप्रैल महीना हो गया, इसमें मई और जून, एक तिमाही तो अपनी ये हो गई, फिर दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है अपनी जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने ये हो गए। फिर इसके बाद बात करें अपन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने की ये तिमाही हो गई। फिर नेक्स्ट तिमाही आएगी जनवरी, फेब और मार्च, इस तरह से अपने 4 तिमाही होती है एक वर्ष में, कितनी तिमाही होती है, 4। यहाँ पे बात करें प्रत्येक तिमाही के मध्य, तो यहाँ पर प्रत्येक तिमाही का मध्य क्या होगा, मई, और मई का कौन सा दिन, मतलब 15 मई। यहाँ पर अपन बात करें जुलाई अगस्त और सितंबर का, 15 अगस्त। यहाँ पर बात करें तो इसका मिड कब होगा, 15 नवंबर, मिड कब होगा, 15 नवंबर। यहाँ पर अपन बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इसका मिड 15 नवंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का जो मिड है वो 15 फेब आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन मिड से काउंट करें, वही अपन को काउंट करना है टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग, प्रथम आहरण कब होगा इसका, 15 मई को, कब होगा, 15 मई को। 15 मई से आपको काउंट करना है समय, कहाँ तक, अंतिम खाते बनाने की डेट तक, कौन सी डेट तक, अंतिम खाते बनाने की डेट तक। तो 15 मई से अपन काउंट करेंगे, यानी मई की तो हो गई 15 दिन, यानी अपन ये कह सकते हैं 0.5 मंथ, और जून से लेकर अपने मार्च तक के काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर अपने टोटल मंथ हो जाएंगे 10.5, कितने मंथ्स हो जाएंगे, 10.5। 15 मई से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 10.5 हो गए। अंतिम आहरण से समय देखना है, तो अंतिम आहरण कब है अपना, 15 फरवरी को, कब है अंतिम आहरण, 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी से फिर 31 मार्च तक, तो फरवरी की तो हो गए 15 दिन, और 15 दिन का हो गया मतलब 0.5 मंथ, और मार्च पूरा, तो यहाँ पर कितना हो गया 1.5, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, तो 10.5 और 1.5 को जोड़ देंगे तो 12 हो गए, 12 में 2 का भाग देते कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके एवरेज मंथ, ये आपके क्वार्टरली के एवरेज मंथ 6 आ गए। तो इस तरह से अपन इनको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद आप उसको शेयर करें, आप उसको लाइक करें, और अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आहरण पर ब्याज, इसको एग्जाम्पल से अपन समझेंगे, और दूसरी मेथड जो अपनी है मतलब गुणनफल विधि, उसके द्वारा भी अपन एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे कि किस तरह से ब्याज की गणना करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।